अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले, तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। दही भल्ले के लिए हमें जिस जिस इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी वो पहले बताते जाते हैं आपको। इसके लिए हमें चाहिए पकौड़ियाँ, आलू बॉयल आलू, और ये है मिर्च और पुदीने की चटनी, ये प्याज, चाट मसाला, ये दही है, वो नमक और मिर्च। चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब हम जो बॉयल पोटैटोज़ हैं उनको हम अब चॉप कर रहे हैं। जब तक हम इसको चॉप करते हैं आप तब तक अपना कोई काम कर लें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इन पकौड़ियों को हमने पहले नीम गर्म पानी में डिप किया था ताकि ये थोड़ा सी नरम हो जाए। ये भी घर में होममेड बनाई हुई हैं, इंशाल्लाह किसी दिन इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, आपने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इन आलूओं को काट लेने हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। ये दही में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया था क्योंकि ये गाढ़ा बहुत है। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, हसबे ज़ायक। ये अब हम इसमें मिर्च डाल रहे हैं, आप जैसी खाना चाहते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें हम जो मिर्च और पुदीने की चटनी बनाई हुई थी वो ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम पोटैटोस। मिर्च हमने इसमें इसलिए ऐड की थी ताकि थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। अगर आप इतना नहीं खा सकते तो इसमें आप पुदीने और बस हरी मिर्च की भी जो चटनी बनाई थी वो भी काफ़ी है आपके लिए। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी ये है हमारी फ़ाइनल लुक आज की रेसिपी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।